आइए हम आज अनबॉक्स करने वाले हैं प्यूजन का इलेक्ट्रिक ओवन। 10 लीटर का ओवन है, 1 ईयर की वारंटी है, देख सकते हैं यहाँ पर। आइए देखिए, देखते हैं इसके साथ में हमको मिलेगा क्या क्या, इसके बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, रोटी शेयर, ट्रे, वायर रैक, हैंडल, वाइड हैंडल। देखिए इसका प्राइस क्या है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5,795 रुपीज़, 1 ईयर की वारंटी के साथ में। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। यह है ओवन, यह है उतारते पैकिंग। ये इसका केबल है कनेक्शन के लिए, ये इसका डोर है, डोर, ये मिल गई बुकलेट, इसमें आपको वारंटी कार्ड और हाउ टू यूज़ का पूरा जानकारी मिलेगी, कैसे इस्तेमाल करना है। ये इसका एक्सेसरीज है, अब एक्सेसरीज में देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है। ये है वायर रैक। वायर रैक किसके लिए होता है, तो इसको किसी भी इसमें रख कर एडजस्ट सामान करने के लिए, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, इसको रख करके बचाने के लिए या किसी पर्पज के लिए। सेकेंड चीज आती है, अब इस ट्रे को कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये हैंडल है। मान लीजिए कि गर्म है, आपने कुछ बनाया और गर्म है, तो इसको ऐसे लगा करके आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके ऊपर कुछ रखा भी है तो इजीली आ जाएगा। तो ये इसका निकालने और डालने के लिए है, ताकि हाथ जले ना। ओके, अब देखते हैं रोस्टेलेट। ये इस्तेमाल होता है वेजिटेबल कुक ये करने के लिए,
और नॉन वेज जैसे तंदूरी और इसको बनाने के लिए। तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके इसके अंदर डाल दिया जाएगा और इसको यहाँ पर लगा दिया जाएगा। इसमें ऐसा है, इसको ये एडजस्टेबल है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे, यहाँ पर लगा करके इसको टाइट कर देंगे। और इसके बाद में इसको कैसे इस्तेमाल, कहाँ लगाएंगे, नीचे देखिए, इसको यहाँ पर लगा करके इस पर रख दिया जाता है, ये ऐसा रहेगा। अब बन जाने के बाद में आपका हाथ ना जले, इसलिए वाइड हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वाइड हैंडल कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसको इसके नीचे लगा देंगे, यहाँ से निकाल करके इसको निकाल करके निकाल देंगे। ये वाइड हैंडल का इस्तेमाल इस तरीके से आपका हाथ भी नहीं चलेगा, आपका प्रोडक्ट बाहर भी आ जाएगा बनने के बाद में। और जब गर्म होगा तो हाथ लगाना पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम इसको बाहर रख सकते हैं। देखिए हो गया, ये हो गया आपका ग्रिल के लिए, ग्रिल निकालने के लिए। और ये हो गया आपका रिस्ट निकालने के लिए, ठीक। अभी एक चीज़ और इसमें आती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। वो है ये ट्रे। अब ट्रे का इस्तेमाल कुछ भी बनाने के लिए किया जा सकता है। इसको सिंपली आप इसके नीचे में डाल सकते हैं, इसको भी निकालने के लिए। जब गर्म हो जाता है तो इसको निकालने के लिए आप इसका इस हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा बाहर, गर्म रहेगा तो आपको हाथ नहीं जलेगा, तो इसको इस तरह से निकाला और लगाया जा सकता है। ये सब एक्सेसरीज हैं जो इसके साथ में मिलती है। उसके साथ में मिलती है एक बुकलेट जिसमें आपको सारे फीचर्स और सेफ्टी सेफगार्ड कैसे करना है, उसको क्लीन कैसे करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं। उसको अच्छे से पढ़ने के बाद में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। टेम्परेचर सेट करने के लिए, यह है आपका टेम्परेचर सेट करने के लिए, कितने डिग्री में आप इसको ये करेंगे। ये पूरा हाई हो गया, आप सुन सकते हैं आवाज़ आ रही है। ये है किस दिशा में हीट करना है, कौन से पार्ट पर, नीचे ऊपर सब जगह, ऊपर और नीचे दोनों साइड, इस चीज़ पे यहाँ पर और यहाँ पर हो जाए। तो आप कौन किस चीज़ में कुक कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको आप डायरेक्शन दे सकते हैं। ये हो गया आपका टाइम, कितने मिनट तक आपको उसको कुक करना है, 10 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। तो आपका ऑटोमेटिकली रन होना चालू हो जाएगा वो ज़ीरो पे। देखिए इसमें इसको 20 मिनट पे रखा था
और ये अब रिवर्स हो रहा है, मतलब ज़ीरो पे आ जाएगा, जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ज़ीरो पर जाएगा और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। घड़ी की टिक 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 चालू है, देखिए इसमें। तो ये सारी एसेसरीज हैं जो इस किचन के इलेक्ट्रिक ओवन के साथ में मिलती हैं, और उनका इस्तेमाल कैसे करना है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, हम उसको इस्तेमाल करके बताएंगे आपको कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो आपको अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बटन है दबा दिया।